गप्पा साहब, मेरे पास अकबर के जमाने का दुर्लभ रेडियो है। ओए गपौड़ संक, तब तो रेडियो का आविष्कार ही नहीं हुआ था। ओए बाबूजी, इसीलिए तो वो रेडियो दुर्लभ है। मालिक साहब, आपने अचानक मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया है? कोई खास बात है क्या? ओ यार, बड़ी भयंकर और बड़ी ही खास बात है, और उस भयंकर बात का नाम है हरीश। ओ यार, अड़ा हरीश एम सूदन ने क्यों बाबूजी, क्या किया उसने? ओ यार, वो धौस जमा रहा है, कहता है मेरा रेट बढ़ाओ, नहीं तो गुलाब हाउस के सामने टेंट गाड़ कर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। कभी कभी तो दिल करता है कि कान पकड़ कर उसकी ऐसी पिटाई करूं कि उसके दोनों कानों में सिर हो जाए, तब इसे पता चलेगा कि भूख हड़ताल कैसी होती है। कल उसे अपना फैसला सुनाने की आखिरी तारीख है, इसलिए मैं यहाँ चला आया और तुझे भी बुलवा भेजा। ओए दत्ता, कुछ तो भौंक, मैं की करा। ओ बाऊजी, ऐसी बात है, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड पर कित्थे? मायापुरी के उत्तरी छोर पर एक नदी है और थोड़े से पहाड़ भी है। कुछ दिनों के लिए उन्हीं घने जंगलों में कैंप लगाकर रहते हैं, मछली पकड़ेंगे और खाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट आइडिया। मैं कल पूरी तैयारी के साथ तेरे घर पहुंचता हूँ, फिर वहाँ से चलेंगे। बट बी केयरफुल, ये बात किसी के कानों कान पता न चले। आप सुबह पूरी तैयारी के साथ मेरे मकान के पिछवाड़े की तरफ आना, मैं आपको आपका इंतजार करता वहीं पर मिलूंगा। क्योंकि अगर इसकी जरा सी भी भनक मेरे खुरापाती पुत्र जोजो को मिल गई, तो वह हमारा पीछा करता वहां भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर कल सुबह मिलते हैं। थोड़ी देर बाद घर में फटाफट अपना कुछ सामान इस बैग में रख लूं। अब ये बैग घर के पिछवाड़े झाड़ी में छिपा देता हूँ, ताकि सुबह जब मैं बाहर निकलूँ तो जोजो मुझे बैग के साथ बाहर जाते ना देख पाए। बैग झाड़ियों में छिपाने के बाद अब मैं सुबह खाली हाथ चुपके से बाहर निकलूंगा और बाहर से बैग उठाकर रासे रफू चक्कर। आँख खोलते ही सामने खड़ा था जोजो। ये आप किससे बतिया रहे थे? मामा, मैं काका किसी से नहीं, चल जाकर अपनी पढ़ाई कर। दाल में कुछ काला है, कहीं से कुछ शक तो नहीं हो गया? सारा फांडा फूट जाएगा। धत तेरी की, मैं भी दिन ब दिन शक्की होता जा रहा हूँ। अगले प्लान के मुताबिक मालिक साहब सुबह सुबह तैयार होकर डैडी जी के मकान के पिछवाड़े में आ गए। मैंने अपना बैग कल रात झाड़ियों में छिपाया था, अब वो बैग मिल ही नहीं रहा। अबे तू बैग बगैर ही चल रहा? पर बाऊ जी, मेरे कपड़े हैं उसमें। मेरे पास हैं कुछ फालतू कपड़े, अब इससे पहले जो जो उठ जाए फटाफट खिसक लिया जाए यहाँ से। कुछ देर बाद, वाह क्या शांति है यहाँ। शुक्र है कि जो जो और उसका कोई दोस्त नहीं है यहाँ, वरना ये शान जगह भी अशांत हो जाती। ठीक कह रहा है तू, पर यार कोई मछली नहीं फंस रही। जाजी, उई पी पी पी। ता तुम यहाँ भी पहुंच गए? अब कर लो ऐश, ये अपने खुरापाती दोस्त पांडो को भी लाया है साथ में। पर बाऊ जी, मैंने तो इसे बताया ही नहीं। सज्जी पी पी पी। तू यहाँ पहुंचा कैसे? तुझे यहाँ का पता किसने दिया? हरीश एम सूदन अंकल ने मुझे बताया कि आप यही मिलेंगे, उन्होंने ही आपका बैग भी झाड़ियों से पार किया था, हम आपका बैग भी ले आए हैं। इसका मतलब हरीश हमारी सारी हरकतों पर नजर रख रहा था। वो तो ठीक है, पर इन खुराफातियों का क्या करेंगे? मैनू एक आइडिया आ रहा है, हम इनसे सारे मुश्किल काम करवाएंगे, फिर ये कुछ ही देर में यहाँ से भाग जाएंगे। वेरी गुड, हरीश ने मुफ्त में ही हमें दो नौकर दे दिए। जो जो, मैंने यह मछली पकड़ी है, अब तुम इसे साफ कर दो। अभी देखना मजा आएगा, मछली साफ करना कोई आसान काम थोड़ी है, अभी इसको नानी याद आ जाएगी। सही कहा तुमने। अरे बाप रे, ये तो पूरा कसाई है, क्या फुर्ती से चाकू चला रहा है। पिप पिप पिप। तता, तूने मछली साफ करना किससे सीखा? स्कूल के कैंप में, जब भी कैंप लगता है मैं ही मछली साफ करता हूँ और मैं फ्राई करता हूँ। वाह क्या खुशबू है फ्राई फिश की। वाह खुशबू इतनी मजेदार है, तो फिर फिश कैसी होगी?
हाय मर जावा मचेर कारिया खाके, क्या माउथ वाटरिंग जीभ लपकाओ खुशबू आ रही है। खाने के बाद, बाय गॉड ऐसी स्वादिष्ट मछली मैंने कभी नहीं खाई। मैंने भी नहीं खाई, मज्जा आ गया। अगले दिन सुबह उठते ही, ओए दत्ता जो जो से कह, आज हम नाश्ता लंच और डिनर में सिर्फ फिश फ्राई ही खाएंगे। पर वे दोनों है कहाँ? बाऊजी ये दोनों तो पता नहीं कहाँ हैं, पर ये चिट्ठी मिली है, लिखावट से तो हरीश की चिट्ठी लगती है। ये खोता मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ेगा। बाऊजी पैरी पहना, उम्मीद है जो जो ने जो फिश खिलाई वह आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही फ्राई फिश खानी है तो फटाफट वापस आ जाइए, पर मेरा रेट बढ़ाने का विचार मन में रखकर तुहाडा हरीश। मने ब्लैकमेल कर रिया है, मैं ये दा बैंड बजा देवांगा। पर बाऊजी फिश फ्राई का की होगा? मैं इस नुकाले पानी भिजवा देवांगा। पर बाऊजी फिश फ्राई तो टिक कहता है, हाय फिश फ्राई बुहू, इस हरीश ने मुझे इस बार लपेटे में ही ले लिया। हाय फिश फ्राई, पर रेट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। एक सुबह 7 बजे, ओफ हेलो बबलू, मेरे एसपी अंकल पुलिस स्टेशन से, जल्दी यहाँ आने का प्रयास करो। तैयार हो जा बबलू एक और केस के लिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में, इनसे मिलो, ये है मशहूर फिल्मकार चित्रगुप्त के सुपुत्र मनोज गुप्त। नमस्ते, दरअसल चित्रगुप्त जी कल रात से अचानक गायब हैं। ओह क्या वह घर से गायब हुए हैं? नहीं, कल वह दुर्गादास जी के घर रात को खाने पर गए थे, पर वापस नहीं लौटे। दुर्गादास? लेकिन मेरे विचार से तो उन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। भाई बनेगी भी कैसे, दुर्गादास और चित्रगुप्त की कड़ी प्रतिद्वंदिता के बारे में कौन नहीं जानता। हाँ पर पिछले दिनों पापा ने स्वयं ही उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसी प्रसन्नता में कल रात दुर्गा जी ने उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया था। और अपने शॉफर से पूछताछ की? पापा कार स्वयं चलाते हैं। दुर्गादास जी के इस बारे में क्या कहना है? उनके अनुसार पापा रात खाने के बाद चले गए थे, उनकी कार भी मुझे आज सुबह घर के सामने वाली गली में खड़ी मिली। मेरे विचार से सिर्फ दोस्ती हो गई है, कहने से दिलों का मैल साफ नहीं हो जाता। हमें दुर्गादास जी के घर की तलाशी लेनी होगी। तुम सही कहते हो, चलो तुरंत चलें। कुछ देर बाद दुर्गादास के घर पर, दुर्गादास जी हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। पर मैं जरा जल्दी में हूँ। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है। सिपाहियों, कुछ देर बाद, साहब सारा घर देख लिया, कहीं कुछ नहीं है। साहब हमें पानी की टंकी भी तलाश लेनी चाहिए। जाओ जाकर चेक करो, चित्रगुप्त की लाश जरूर पानी की टंकी में होगी, तब मेरा भी नाम बबलू की तरह मशहूर हो जाएगा। एसपी साहब हर बात में मुझसे सलाह लेंगे और मधु मुस्कान वाले शायद मेरे पर कॉमिक्स भी बनाने लगे। प्यारा जासूस धड़कन सिंह, तब बबलू मुझसे कितना जलेगा। पर धड़कन के अरमान अधूरे ही रह गए, क्योंकि टंकी में तो कुछ भी नहीं है। इधर, साहब टंकी में कुछ भी नहीं है। एसपी साहब आप मेरा काफी समय। तभी, साहब साहब मैं कार की सर्विसिंग कराया, शायद आपको कहीं जाना है। हाँ मैं पहले कह चुका हूँ मैं जल्दी में हूँ, मुझे अपनी कुछ मूर्तियां बालापुर स्टेडियम पहुँचानी है। मुझे लगता है किसी ने चित्रगुप्त जी का अपहरण किया होगा, मनोज जी को घर जाकर अपहरणकर्ताओं के फोन आने का इंतजार करना चाहिए। बात में दम है। अच्छा दुर्गा जी अब इजाजत चाहते हैं। पर बबलू कहाँ है? बबलू कहाँ गया? इधर बबलू, अचानक, लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरों की तरह मेरे घर में घुसकर मेरी मूर्तियां छेड़ने की? अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। अंकल फौरन इस मूर्ति का प्लास्टर हटवाइए। नहीं तुम मेरी मेहनत खराब मत करो। रहने दो बबलू, एक कलाकार सब कुछ सह सकता है पर अपनी कृति का नाश नहीं। अगर आप चित्रगुप्त जी के बारे में जानना चाहते हैं तो फौरन मूर्ति पर लगा सफेद मिट्टी का प्लास्टर हटवाइए। प्लास्टर हटाओ। अगले दिन, दुर्गादास ने यह कबूल कर लिया है कि ईर्ष्यावश उसने चित्रगुप्त जी का कत्ल कर लाश को मूर्ति का रूप दे दिया जिससे वो समुद्र में फेंकने जा रहा था, पर
इतनी सारी मूर्तियों के बीच में तुमने उस मूर्ति को पहचाना कैसे? आसान सी बात है, दूसरी मूर्तियाँ काफी सख्त थी जिससे साफ पता चल जाता था कि वह बहुत पुरानी है। केवल एक ही मूर्ति थी जिसमें हल्की सी नमी शेष थी जो इस बात का सबूत थी कि वह हाल ही में तैयार हुई है। मूर्ति का प्लास्टर जरा सा ही खुरचने से मुझे उसके नीचे चित्रगुप्त जी का अंगूठा नजर आ गया। एक बार फिर तुमने कमाल कर दिया। बचाइए पांसी जी, बचाइए। आपके मित्र राजा धनराज को मंत्री कपटवर्धन ने चाल से जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा है। राजा धनराज के सभी आदमी बंदी हैं, केवल मैं अब तक पहुंचने में सफल हुआ हूँ। आओ, यह तो बड़ा गंभीर मामला है। कपटवर्धन क्रूर और कपटिया आदमी है, वह यातना के लिए कुख्यात है। इस बार हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हमें तुरंत राजा धनराज के राज्य में पहुंचना चाहिए। और जैसे ही वे पहुंचे, बता तुम्हारा कपटी राजा कहाँ है? तुम्हें उसी के पास ले चलते हैं, उसे मालूम है कि तुम जैसों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। ठीक है, पर अपने इस भोले से गुदगुदी करना तो छोड़ो। तुमने मुझे कपटी कहा, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। तुम थोड़ा पहलवान नजर आते हो, इसलिए तुम्हारी लड़ाई शेर से करवाऊंगा। और उन दोनों को उठाकर जेल में पटक दिया गया। अगले दिन पान सिंह सुपारी को उस घेरे में पहुंचा दिया गया जहां उनकी लड़ाई शेर से होनी थी, और कपटवर्धन भी आ पहुंचा। भूखे शेर को छोड़ दो। पिंजरे का दरवाजा खोलते ही कई दिनों का भूखा शेर गुस्से से गुर्राता हुआ उनकी ओर झपटा। सुपारी ने पान सिंह को लड़ाई से पहले जमाजम पान खिलाए। आओ उस्ताद जी, आप उस पर पीछे से हमला करना। ठीक है। शेर के घेरे में घुसते ही सुपारी शेर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। आओ आ बिल्ली के भाई, आ आ। दूसरी ओर पानसी किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार बैठा था। मुझे जल्द ही कुछ करना चाहिए, वरना सुपारी जिंदा नहीं बचेगा। गुस्से में गुर्राते हुए शेर ने सुपारी की ओर छलांग लगा दी। जब बजरंग बले। शेर की सुपारी तक पहुंचने से पहले ही पान सिंह ने उसे दबोच लिया। शेर शेर था और पान सिंह सवा शेर था। उसने अपने फौलादी सिंगजे में कसकर शेर का खात्मा कर दिया और मरे हुए शेर को पूंछ से घसीटता हुआ राजा के पास ले आया। ले कपचू, ये रहा तेरा चूहा। मुझसे तमीज से बात करो, तुम बहादुर हो, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ करके अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लूंगा। आओ उस्ताद जी, यह महान आदमी है, आपको इसके आगे हाथ जोड़ देना चाहिए। पानसी सुपारी के इस व्यवहार पर चकित हुआ, लेकिन उसने हाथ जोड़ दिए। अब क्षमा भी मांगो। लेकिन तभी सुपारी तेजी से पानसी के जुड़े हुए हाथों पर चढ़ गया और चिल्लाया, आओ उस्ताद जी मुझे उछाल दो। और पान सिंह उसे हवा में उछाल दिया। ले सुपारी। सुपारी रॉकेट की तरह उड़ता हुआ ऊपर गया और उसने वहां कपटवर्धन की गर्दन पकड़ ली। आओ अब बताता हूँ तो जा। और सुपारी ने उसे नीचे घसीट लिया। शेर के बाद अब तुझ आस्तीन के सांप की बारी है। और अब पान सिंह के सामने कपटवर्धन खड़ा थर थर कांप रहा था। पान सिंह ने राजा का सम्मान करते हुए उसे अपनी शाही भोज पेश किया। ये ले मेरा शाही तंदूर, यह सजे हाथ से परोसा सलाद, और इसे पापड़ समझ कर खाइए। इधर सुपारी भाग निकला। आओ जल्दी से पहुंचना चाहिए। और उसने आकर राजा धनराज को जेल से छुड़वा लिया। चलिए महाराज, सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये रहा आपका गद्दार मंत्री, इसे सजा दीजिए। ठीक है, इसे हमारे शेर के आगे डाल दो। शेर की बात सुनकर मैंने सोचा था कि आप भी उसी तरह क्रूर है, लेकिन इस शेर को देखकर मजा आ गया। कपटवर्धन के लिए बहुत ही दर्दीला अंत था। ये बकरा इसके लिए शेर है।